गुड इवनिंग स्टूडेंट बेटा, ओपन योर इंग्लिश बुक। सभी बच्चों के पास पेंसिल और इरेजर होनी चाहिए, हम बुक फिल करेंगे इंग्लिश की। पेंसिल शार्प कर लेना बेटा। ओपन योर इंग्लिश बुक, कर ली बेटा। पेज नंबर 45। ओपन योर बुक, पेज नंबर 45 इन योर बुक। चैप्टर 14, यूज ऑफ ऑन। किसका यूज करना सीखेंगे हम? ऑन का। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस। लुक एट द पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स को देखना है ध्यान से और रीड करने हैं सेंटेंसेस। ओके स्टूडेंट, तो पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और आपको सेंटेंसेस को रीड करना है। ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चे देखिए, एक टेबल पे क्या क्या रखा हुआ है। ऊपर हैट, बैग, डॉल, बेल, कप, बैट, तो ये सभी किसके ऊपर रखे हैं? टेबल के ऊपर रखा है ना। तो हम किसका यूज़ करेंगे? ऑन का। ऑन मतलब क्या होता है? ऊपर। कोई भी चीज़ जो चीज़ के ऊपर रखी गई है उस, तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। अब आपने पिक्चर देख ली, अब सेंटेंस पढ़ेंगे। ए सी यू पी कप, आई एस एज ओ एन ऑन, टी एच ई द टेबल, टी ए बी एल ई टेबल, ए कप is on the table, a h a t hat, i s is o n on, t h e the, t a b l e table, a hat is on the table। next जो कप है वो टेबल के ऊपर रखा है, जो हैट है वो टेबल के ऊपर रखी है। यही लाइन बना, यही लाइन इंग्लिश में कन्वर्ट करी उन्होंने। ए बी ए जी बैग, आई एस एज ओ एन ऑन, टी एच ई द, टी ए बी एल ई टेबल, ए बैग इज ऑन द टेबल। जो बैग है वो टेबल के ऊपर है। ए ए बी ए टी बैट, आई एस एज ओ एन ऑन, टी एच ई द, टी ए बी एल ई टेबल, ए बैट इज ऑन द टेबल। जो बैट है वो टेबल के ऊपर है। ए बी ई डबल एल बेल, आई एस एज ओ एन ऑन, टी एच ई द टेबल, टी ए बी एल ई टेबल, ए बेल इज ऑन द टेबल। बेटा जैसे मैम स्पेलिंग रीड कर रही है, आपको भी बुक में फिंगर लगा के रीड करना है। सभी को बात समझ में आ रही है? फिंगर लगा कर रीड कीजिए आप सभी बच्चे। सभी को समझ में आ रहा है ना बेटा? जैसे मैम एक एक स्पेलिंग को रीड कर रही है, आपको भी इसी तरीके से एक एक स्पेलिंग को बुक में रीड करना है और लर्न करना है। पढ़ो नेक्स्ट। ए डी ओ डबल एल डॉल, आई एस एज ओ एन ऑन, टी एच ई द, टी ए बी एल ई टेबल, ए डॉल इज ऑन द टेबल, ए कप इज ऑन द टेबल, ए हैट इज ऑन द टेबल। ये सभी चीज़ें किसके ऊपर हैं? टेबल के ऊपर हैं। ए बैग इज ऑन द टेबल, ए बैट इज ऑन द टेबल, ए बेल इज ऑन द टेबल, ए डॉल इज ऑन द टेबल। तो यही बताया गया है। रीडिंग कर लिया आप सब बच्चों ने पेज नंबर 45 की। अब टर्न करो पेज, पेज नंबर 46 ओपन करो बेटा। पेज नंबर 46, आज की डेट डालो। व्हाट इज़ द डेट टुडे? 22/1/2021। टुडे डेट
क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या बोला गया है? नाउ टी आर ए सी ई ट्रेस ओ एन ऑन ए एन डी एंड रीड द सेंटेंसेस अलाउड. आपको ट्रेस करना है ऑन को और सेंटेंसेस को जोर से पढ़ना है. सभी को बात समझ में आ गई? चलो पढ़ो. ये क्या लिखा है बेटा? ये डॉग है और डॉग लॉक के ऊपर खड़ा है. ठीक है, तो क्या लिखा है? ए डी ओ जी डॉग आई एस इज ओ एन ऑन टी एच ई द एल ओ जी लॉग. ए डॉग इज ऑन द लॉग. जो डॉग है वो लॉग के ऊपर खड़ा है. ओ एन ऑन, ऑन को आपको इस तरीके से ट्रेस करना है. अब पिक्चर में देखिए, एक चेयर है, चेयर के ऊपर क्या रखा हुआ है? बैग. तो पढ़ो, ए बी ए जी बैग आई एस इज ओ एन ऑन टी एच ई द सी एच ए आई आर चेयर. ए बैग इज ऑन द चेयर. नेक्स्ट, कैट किसके ऊपर बैठी? कैट कॉट के ऊपर बैठी हुई है. तो ए सी ए टी कैट आई एस इज ओ एन ऑन टी एच ई द सी ओ टी कॉट. ए कैट इज ऑन द कॉट. नेक्स्ट नेक्स्ट पिक्चर में देखो, मैन किसके ऊपर बैठा हुआ है? हॉर्स के ऊपर. ए एम ए एन मैन आई एस इज ओ एन ऑन टी एच ई द हॉर्स एच ओ आर एस ई हॉर्स. ए मैन इज ऑन द हॉर्स. नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, बॉय बेड पे है ना. ए बॉय बी ओ वाई बॉय आई एस इज ओ एन ऑन टी एच ई द बी ई डी बेड. ए बॉय इज ऑन द बेड. तो ये सभी सेंटेंसेस आपको बुक में फिल करने हैं. ओके स्टूडेंट, ये सभी में आप ऑन ट्रेस करोगे. ए डॉग इज ऑन द लॉग. A bag is on the chair. A cat is on the cot. A man is on the horse. A boy is on the bed. तो सभी बच्चे ये बुक में नीट एंड क्लीन फिल करके नेक्स्ट डे मैम से अपनी बुक चेक कराएंगे. ओके स्टूडेंट.